एनिमल्स विच वेंट टू स्पेस। आजकल की टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है। आज से कई सालों पहले हम इंसानों ने भी सोचा नहीं होगा कि हम कभी अंतरिक्ष में जा सकेंगे, पर आजकल की टेक्नोलॉजी को विकसित होते देख हम ये कह सकते हैं कि आने वाले कुछ समय में हम साधारण इंसान भी अंतरिक्ष की सैर कर सकेंगे। पर दोस्तों, आपको पता है कि पहली बार जब अंतरिक्ष में रॉकेट भेजा जा रहा था तो उसमें इंसान नहीं जानवर बिठाए गए थे। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही जानवरों के बारे में जानेंगे जिनको स्पेस में भेजा गया था। नंबर एक, फ्रूट फ्लाइज। दोस्तों, फ्रूट फ्लाइज को हिंदी में मक्खी के नाम से भी जाना जाता है। साल 1947 में स्पेस में भेजे जाने वाला पहला जानवर बना। हालांकि मक्खी को स्पेस में भेजना बहुत ही अजीब सुनाई पड़ता है, पर इसको स्पेस में इसलिए भेजा गया था ताकि साइंटिस्ट होने वाली कॉस्मिक रेडिएशन का पता लगा सके। ये कॉस्मिक रेडिएशन इंसानी शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होती है और कई सारी समस्याएं भी खड़ी कर सकती है। इसलिए साइंटिस्ट द्वारा स्पेस सूट बनाया जाता था ताकि सभी स्पेस में जाने वाले यात्री सुरक्षित रहें। नंबर दो, मंकी एंड एप्स। करीब 32 बंदर अभी तक स्पेस में भेजे जा चुके हैं। उनमें से कुछ जिंदा लौटे और कुछ किसी कारण मर गए। ऐसा ही एक पहला बंदर साल 1949 में भेजा गया था स्पेस में, जिसका नाम था एल्बर्ट। 134 किलोमीटर की हाइट तक पहुंचते वक्त किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा था, पर जैसे ही वो धरती के एटमॉस्फेयर में आता है उसी समय किसी पैराशूट फेलियर के कारण मारा गया। उससे पहले भी एल्बर्ट को भेजा गया था, पर वह अंतरिक्ष की उड़ान से पहले ही मर गया था। नंबर तीन, माइस। हम इंसानों ने चूहों पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हुए हैं। ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट चूहों पर किया गया था स्पेस में ताकि माइक्रोग्रेविटी का असर देखा जा सके। एक्सपेरिमेंट में यह पता चला कि चूहे बहुत ही आराम से जीरो ग्रेविटी में अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। हाल ही में दिसंबर 2019 में 40 चूहों को स्पेसएक्स द्वारा स्पेस में ले जाया गया था, जिधर उन पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए ताकि हम और अच्छे से समझ सकें। नंबर चार, डॉग्स। सोवियत यूनियन द्वारा स्पेस में बहुत सारे कुत्ते भेजे जा चुके हैं और उनमें से सबसे जाना माना कुत्ता है लाइका, जिसके बारे में आप सबने सुना भी होगा। ये एक फीमेल डॉग है और ये इतनी जानी मानी इसलिए है क्योंकि ये पहली ऐसी डॉग है जिसने धरती का ऑर्बिट किया था। पर अफसोस की बात तो ये है कि ये धरती पर कभी लौट ही नहीं पाई। जी हाँ दोस्तों, इसको स्पेस में सिर्फ एक दिन के खाने और 7 दिन के ऑक्सीजन के साथ भेजा गया था और सोवियत गवर्नमेंट के हिसाब से ये स्पेस में करीब 7 दिन सर्वाइव की थी। पर दोस्तों, सच्चाई ये थी कि उड़ान भरने के 5 घंटे बाद ही लाइका मर गई थी। नंबर पांच, टॉर्टोइस। साल 1968 में यूएसए और रशिया के बीच में स्पेस रेस चल रही थी, जिधर उन्होंने अपना सबसे पहला इंसान चांद पर भेजना था। इस स्पेस रेस में वो ये दिखाना चाहते थे कि किस देश के पास बहुत ही अच्छी स्पेस टेक्नोलॉजी है। इसलिए रशियंस ने अपना ZON-5 स्पेसशिप लॉन्च किया, जिसमें मिट्टी और कुछ बीज थे, उसी के साथ साथ कुछ वॉर्म्स और 2 स्टेपी टॉर्टोइस यानी कछुए भी थे। इन कछुओं ने चांद का पूरा एक चक्कर लगा लिया था और फिर 6 दिन बाद धरती पर लौट गए थे। इस ZON-5 को कजाकिस्तान में लैंड होना था, पर किसी कारण ये इंडियन ओशियन में जाकर लैंड हो गया। उसी के साथ साथ जब उनका वजन देखा गया तो उनका वजन करीब 10% घट गया था। नंबर 6, स्पाइडर्स। साल 1969 में पहला इंसान चांद पर भेजा जा चुका था। इस कामयाब मिशन के बाद साइंटिस्ट ने जानवर को स्पेस में भेजने पर ज्यादा जोर नहीं दिया, बल्कि अब सारा ध्यान और ज्यादा लोगों को स्पेस में भेजने में लग गया था। पर फिर भी वैज्ञानिक और ज्यादा जानकारी हासिल करना चाहते थे, तो उन्होंने साल 1973 में 2 मकड़ियां स्पेस में भेजी। उनका नाम अनीता और एराबेला रखा गया था। उनको स्पेस में भेजा गया था ताकि वैज्ञानिक ये देख सकें कि एक मकड़ी स्पेस में मकड़ी का जाला बना सकती है या नहीं, और दोस्तों वह स्पेस में भी उसे बनाने में काबिल रही। नंबर 7, टार्डीग्रेड्स। दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा छोटे जानवर होते हैं और ज्यादातर इसको अच्छे से माइक्रोस्कोप की मदद से ही देखा जा सकता है। साल 2007 में इसको भी स्पेस में भेजा गया था,
ये देखने के लिए कि क्या ये स्पेस में भी जिंदा रह सकता है या नहीं। पर दोस्तों, ये बहुत ही आसानी से उधर भी रह गया। ऐसा माना जाता है कि ये टार्डिग्रेड्स किसी भी स्थिति में अपने आप को ढाल सकते हैं और जिंदा रह सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ जानवर जिनको स्पेस में भेजा गया था। इन्हीं जानवरों पर रिसर्च करके हमको स्पेस के बारे में और अच्छे से जानकारी मिली है। पर दोस्तों, आपको नहीं लगता कि हम इंसानों के स्वार्थ के लिए जानवरों पर एक्सपेरिमेंट्स करना गलत है? अपनी राय हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। दोस्तों, इनके अलावा और भी बहुत सारे जानवर हैं जिनको स्पेस में भेजा गया था, जिनमें से कुछ जिंदा लौटे तो कुछ मारे गए, पर इनकी ही वजह से हमारा पहला स्पेस मिशन कामयाब रहा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसी ही और भी मजेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं जल्द ही आपसे ऐसी ही अगली और मजेदार वीडियो में।